उत्तर प्रदेश के उन्नाव में सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में बीएससी की छात्रा का घर के आंगन में अंधड़ंग अवस्था में शव मिलने से सनसनी फैल गई। आशंका जाहिर की जा रही है कि दुष्कर्म के बाद छात्रा की हत्या की गई। एसपी ने मौके मुआयना किया। उन्होंने बताया कि हत्या है, पर दुष्कर्म की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगी। बता दें कि लल्लोखेड़ा चौकी क्षेत्र के एक गांव की लड़की घर में अकेली थी। शाम को उसकी छोटी बहन पहुंची तो आंगन में बड़ी बहन का अधनगन अवस्था में खून से लथपथ शव देख चीखने चिल्लाने लगी। आवाज सुनकर आसपास रहने वालों का मजमा लग गया। इसी दौरान सूचना पर कोतवाली इंस्पेक्टर राजेश पाठक व चौकी प्रभारी रोहित पांडे फोर्स के साथ पहुंचे। पुलिस ने ग्रामीणों से पूछताछ की। उधर घटना की जानकारी पर एसपी दिनेश त्रिपाठी भी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने फील्ड यूनिट टीम को बुलाया। डॉग स्क्वाड व फील्ड यूनिट टीम से साक्ष्य एकत्रित हो गए। बताया जा रहा है कि पिता सरकारी स्कूल में शिक्षक और मां आशा बहू है। पुलिस तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है। फिलहाल हत्यारे कौन है, घटना को किसने अंजाम दिया, अभी सुराग नहीं लग सका है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार फेल हो चुकी है। कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है। रोजाना ऐसी खबरें सामने आ रही है। अब देखना होगा कि इस लड़की को इंसाफ मिलेगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, बहुजन हलचल। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज़।